टीवी सीरियल कुछ रंग प्यार के ऐसे भी से लोकप्रिय हुई एक्ट्रेस एरिका फर्नांडिस को लोग घर घर में प्रेरणा के नाम से भी जानते हैं। एकता कपूर के सीरियल कसौटी जिंदगी की दो में लीड रोल निभाने वाली एरिका आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। टीवी की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियों में से एक एरिका फर्नांडिस यूं तो अपनी खूबसूरती और सोशल मीडिया पोस्ट के चलते सुर्खियों में बनी रहती है, पर आज अभिनेत्री उनके द्वारा किए गए खुलासे के चलते लाइमलाइट में है। हाल ही में एरिका ने बचपन की एक बीमारी के बारे में चौंकाने वाला खुलासा किया है। चलिए जानते हैं आपकी पसंदीदा अभिनेत्री किस बीमारी से पीड़ित है। हाल ही में अभिनेत्री ने डिसलेक्सिया नामक एक बीमारी से पीड़ित होने के बारे में बात की। एरिका ने अपनी बीमारी के बारे में खुलासा करते हुए कहा, मैं डिसलेक्सिक हूँ। बोर्ड पर जो कुछ भी लिखा होता था वो डांस करने लगता था। यह अभी भी है, कभी कभी जब मैं शब्दों को देती हूँ तो मुझे लगता है कि इसका उच्चारण सही होगा, लेकिन मैं सोचती रहती हूँ कि यह सही नहीं लगता। बता दे, डिसलेक्सिया एक किस्म का लर्निंग डिसऑर्डर है। डिसलेक्सिया में बच्चे को शब्दों को पढ़ने में दिक्कत होती है। एरिका ने आगे कहा, मैं एक वर्चुअल लर्नर हूँ, मैं बहुत अब्सॉर्ब करती हूँ, यही वजह है कि मैं ज्यादा नहीं पढ़ती, लेकिन मैं कुछ सुन और देख सकती हूँ और सीख भी सकती हूँ। मेरा पढ़ाई में ज्यादा मन नहीं था। मैं स्कूल के समय एग्जाम से एक दो दिन पहले बैठती थी और तभी पढ़ाई करती थी। मैं एक एवरेज स्टूडेंट थी और स्कूल में मेरी रैंक 10वीं होती थी। आपको बता दें, एरिका भारत छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए दुबई शिफ्ट हो गई है। अभिनेत्री काम के लिए कभी कभी भारत आती है। उन्होंने अपनी खुद की प्रोडक्शन और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी भी खोली है ताकि वो उस तरह का काम कर सके जो वो करना चाहती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही दिलचस्प जानकारी पाने के लिए हमारा चैनल फॉलो करें।